से काट के ले लो। हाँ कितने साल से उसके अंग पे जाने की इजाजत नहीं दिया मैं, कितने साल से उसके अंग पे, कितने साल से, कितने साल से। जकड़ो जकड़ो उसको तेज के साथ जकड़ो, छोड़ो मत उसको, तेज से उसके हाथों में आग लगाओ। हाँ ऐसा करो काट के ले लो दोनों हाथ। हाँ हाँ फिर मेरे सवाल के जवाब दे, सवाल के जवाब दे, चल दे। कौन है तू, कौन है? हाँ कौन है? शमशान से आवाज आई या कोई लाके सुना है? हाँ जो पूछा उसका जवाब। हाँ हाँ कौन लाके थोड़ा, उसका नाम नहीं पूछा मैं, खलीता बता कौन है वो औरत आदमी है, कौन है? जलाओ उसको तेज से, कौन है वो? हाँ कौन है? जलाओ उसके हाथों में आग लगाते रहो, तेज इससे आग लगाओ उसके दोनों हाथों में। हाँ जल्दी बता कौन है तो वो। हाँ छोड़ दे तो नहीं तो पूरा काट देंगे, जलाओ जलाओ उसके हाथों में आग लगाओ तेज इससे। कैसा करना तेरे को, छोड़ना क्या, मार के डाल दूं यहां पूरा भस्म करूं? हाँ जल्दी जवाब, कितने साल से परेशान कर रहे था, कौन है तू, औरत आदमी है? हाँ जोर से, जोर से सबको सुने आना। हाँ जोर से, कौन है? छोड़ते तो नहीं थे और जाने भी नहीं देते थे वापिस, जब तक नाम नहीं बयानूंगा तो, जो हम पूछे उसका जवाब नहीं मिलेगा तो तेरे को पूरा मार के भस्म कर देंगे। कमबख्त बाप का तेरा रात चल रहा है। उधर पंखा जा रहा थोड़ा। जब हम सवाल जवाब करी ना, जब वो ले आया क्या यार, कौन है तू? हाँ बोल, जितना मेरे सामने उतना तेरे को मार मार के भस्म कर दूंगा मैं। हाँ हाँ बोल जल्दी बोल। हाँ याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कौन डाले तो, याद नहीं आ रहा। हाँ उठ जल्दी, उठ के बैठ, पूरा मार के खत्म कर दूंगा। उठ जल्दी, उठ सीधा बैठे तब से, सीधा बैठे तब से। अरे वो अंगूठी कर पता, इधर मार मेरी थी वो सारी, ये अंगूठी, ये अंगूठी दे रही थी उसको ताकत अंदर बैठ गया। ऐसे दिल से पीछे जाकर ले रहा तरीके से, ऐसे दिल से मनमाने आकर के कोई भी चेता नहीं पहन सकते कि अंगूठी उसको अंदर बैठ के उसको अंदर बैठने में उसको सपोर्ट कर रही थी और ताकत दे रही थी उसको। और दूसरी बात, अब भी कैसे पकड़ के निकाले अंगूठी, निकालते थे कैसी मजा आई उसकी। और अपने दिल से अमिल, अपने दिल से नहीं बनना, दिल से बने फिर ऐसे वारदात, ऐसे हरकतें होती तुम्हारे साथ में, ऐसे तरीके से मार भी पड़ती। एक है कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि जिनको मैं पत्थर में पड़ के ताकत ऐसी पैदा कर देता अल्लाह के हुक्म से कि वो पत्थर लगाते जो चीर दो टुकड़े होना चालू होते उसके, तो उन्हें पत्थर से रहता। और ये उन्हें खुद बहुत पेन क्या था, उन्हें कहा ये उसके दोस्त ने दिया उसको, उन्होंने पेना क्या क्या करे, मगर उनको नहीं पता कौन सा इल्म है, कौन सा पत्थर होगा इल्म है, कौन सा पत्थर क्या काम करता और कौन उसको पत्थर ताकत दे रहा और कौन सा पत्थर उसको काट रहा। तुमको थोड़ी पता, तुमको थोड़ी पत्थर में ताकत पैदा करनी आएंगी। पत्थर तो है समझो मिसाल के तौर पर पत्थर, मगर उसमें इबादत के जोर से, इबादत की तासीर से उसके अंदर फिर अल्लाह की फजल करम से वैसे ताकतें पैदा होते उसके अंदर। फिर अल्लाह फरमाता कि फबी ये आला रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबाना, और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे, फिर वो नियामत में चले जाता खुदा के। और ये बोले तो उसको ताकत दे रही थी बोले कुत्ते ऐसे ना आला आपको जाने का हुक्म नहीं दिया तुझे, अभी जाने का नहीं दिया अभी। हाँ बाप का रात चल रहा होगा, क्या मनमाने चल रहे थे वो। जकड़ो उसके हाथों को, जकड़ लो तेज के साथ, जकड़ो उसके हाथों को, काट के ले लेंगे हम तेरा हाथ होना हमको, दे दे वो दोनों हाथ तेरे, दे दे जल्दी उठ के बैठ, दोनों हाथ काटने के तेरे वो, उठ जल्दी उठ, बाप का रात चल रहा बता लोगों के आंखों में घुस के मनमाना करने को, उठ जल्दी। और लगा कितनी तो तेरी, हाँ चलो।
हाँ चलो आठ खजाने पे गए खजाने पे से आया कौन लाके नहीं खजाने पे गए जबान से बोल खजाने पे गए खजाने पे गए तू खजाने के ऊपर का है तू निकाल के लोगों को तेरा खजाना निकाल दो पूरा खजाना निकाल के ऊपर खजाना बांट दू लोगों को बांट दू हाँ फिर तुझे कौन पकड़ा था वहां खजाने पे से कौन पकड़ के लाके डाला इसके आंग में औरत है आदमी है औरत है आदमी है कौन है वो कौन है जोर से और जोर से पूरी ताकत लगा जोर से अब ये पत्थर से काट दूंगा ना अब सीधा बेहद सीधा वो पत्थर पहन रहा पिनाऊ ये पत्थर तुझे पिनाऊ क्या बोल पिनाऊ लगाऊ टच करूं ये पत्थर देखो करता है पत्थर पिनाता तेरे है पिनाऊ बस वो पत्थर पिन के नाच रहा था ये पिनाता तुझे ऐसा रहता खड़े रह के ले रहे ऐसा रहता सारी दास्तान सब अलग अलग रहती सबको थोड़ी इल्म है और सबको थोड़ी दास्तान पता है और सबको थोड़ी बेजान पत्थर में भी क्या बोलते तो पढ़ के अमल के जोर से ताकतों से जान डालने सबको थोड़ी आती झगड़ के रखो उसको नाल आया आपको पिनो क्या ये पत्थर टुकड़े हो जाते पिनो ताकत नहीं रही थी ये वाला पत्थर उनके दोस्त ने दिया था किसने दिया था रही कहीं पे दिया था तुमने अच्छा अब ये वाला पिना के उसके दो टुकड़े करेंगे उसके काले वाला अरे हाँ जोर से बोल मैं अब भी लगा रहा हूँ पत्थर करूँ दो टुकड़े लगाऊ कौन है तू कौन है सवाल का जवाब मेरे जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है दो टुकड़ों में चीर दूंगा फौरी हाँ बहुत जल्दी हाँ बता हाँ और जोर से जिन्नात की नस्ल से है कि हमारे वाले इंसान की है अहमदाज में से कौन है हाँ जोर से ये सब लोगों को सुने आना कौन है जिन्हें शेर मरे वाला इंसान है जल्दी बोलो तो पत्थर लगा दो लगाऊ ये पत्थर लगाऊ जोर से लगाऊ करो टच ऐसी बात रहती सबको थोड़ी दास्तान आती तुम्हारे वास्ते साधारण पत्थर होगा मगर मेरे मन उसमें पढ़ के कई ताकत पता करे अल्लाह के हुक्म से क्योंकि इल्म के जानकार दुनिया में बहुत कम रखे अल्लाह ने और जादूगर आत्मा जगह जगह मिलेंगे ऐसे हरकतें कराने वाले मगर इनको मार के काट के भस्म करने वाले ताकत दुनिया में गिने चुने लोग रखे अल्ले और देखो तुम्हारे सामने की दास्तान पत्थर यहाँ तुम्हारे सामने ही दो पत्थर है तुम भी देख लो दोनों भी तुमको सेम दिखेंगे पत्थर दो पत्थर है मगर इसका तासीर देखो उसके नजदीक ले लिया अंदर उन्हें इसको नजदीक ले गए दो टुकड़े हो जाते उसके और ये पत्थर देखो ये पीने वाला था तो ताकत मिल रही थी अंदर से ताकत ले रहा था उन्हें पत्थर से ये पत्थर से ताकत ले रहा था नजदीक ला रहे कैमरा ये पत्थर से उसको ताकत मिल रही थी क्योंकि ये कोई पड़े वाला नहीं था उसमें कोई ताकत नहीं थी और इसके अंदर ताकत है तो इसको नजदीक नहीं अंदर आओ नजदीक लाते दो टुकड़े होते लगाऊं क्या रे लगाऊं क्या हाँ लगा रहा हूँ लगा था दोनों बड़े करता करता हूँ जोर से हाँ लगाऊं क्या लगाऊं हाँ देखो खुदा की कुदरत अल्लाह ने इल्म ऐसे समंदर रखे अल्लाह के इल्म के जानकार कोई सारा इल्म रहता बाकी सब तो निकट तू बैल रहते गधे
गधों को थोड़ी समझता कुछ, गधे को धूप भी नहीं समझती और छोंक भी नहीं समझती, उन्हें खुद की छोंक सा देखता पीछे और बोलता मैं छोंक में खड़े आला हूँ क्या की। तो वैसा आलम हो गया आज कर इलाज वालों के, सारे दास्तानों के, सब लोगों के, कि तुमको बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं, बहुत सारे बातें नहीं, पत्थर तो तुम लोगों को सेम लग रहे होंगे, पत्थर ये भी तुमको हकीक दिख रहा होगा, वो भी हकीक दिख रहा, मगर दोनों में कैसा तासीर रखा अल्लाह ने, कैसा तासीर है, क्योंकि इसमें पढ़ाई का तासीर है और ये अनमोल होगा पढ़ने के बाद, और ये पढ़ाई नहीं है, इस पे कोई अल्लाह के कलाम की ताकत नहीं, तो ये एक मामूली साधारण पत्थर सा पत्थर है और उन्हें उससे ताकत ले रहा था, उल्टा उससे उसको ताकत मिल रही थी, और ये पढ़ने के बाद अल्लाह ने इसके अंदर ऐसा तासीर दिया कि थर थर कांपते थे शैतान जिन्नात। तो ये सब को नहीं पता रहा था कौन से पत्थर पे कैसी पढ़ाई बैठती है, उसमें कैसी पढ़ाई बैठाना सबको नहीं मालूम है। लेयर लगा रहा हूँ, दो टुकड़े करूँ क्या लगा के, जोर से बोल, जोर से लगा दूं, कर दूं दो टुकड़े, हाँ चल के जल्दी बता मेरे को। और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे, अखल के अंधे लोगों, बेवकूफो जरा पढ़ो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मूंगा और मोती बनाया, सूरह रहमान में भी फरमा दिया, पत्थर ये अल्लाह की नियामतें है ये सब चीजें, और देखो वो नियामत पे पड़े कैसा उनका थर थर नजदीक नहीं आ सका, उसके आते दो दो टुकड़े हो जाते लगाते। और दूसरी बात, वार अगर जब चलने लगता तो पलट के वापिस जाता इधर का उधर, मैं मेरे मुंह से क्या बोलू तुमको, उसकी क्या दास्तान बयान करूं, अकलमंद को इशारा काफी है, बता दे रहा मैं तुमको प्रैक्टिकल में कि ये सब नियामतें अल्लाह ने रखी है, और तुमको नियामतें कहां मिलेंगी, अभी कौन देगा, देखो कैसी नियामत है और कैसा अंदर जिक्र करके मैंने कैसे ताकत है, पता कर चल रहे, मेरे को सही सही बता, तुझे कौन ला के डाले थे, तुझे औरत डाली थी, अदबी डाला था, हाँ बोल दे फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा, हम्म, ए एक जना पंगा चल करो, हाँ बोल दे सही सही, कुत्ते इसको छोड़ के चलूंगे ना, अच्छा इसको मार के लिए जाने वाला था, मार के लिए चल जाने वाला था, हाँ अच्छा अम्मा से मार दे, अम्मा से क्या पुण्यम में कब, जल्दी बता कब मारना, पुन्नम में अम्मास में, पुन्नम में कब मारने वाला था, अम्मास में, अच्छा तू खुद बखुद आया कोई लाके छोड़े, हाँ बोल पीछे जा, बोल जा पीछे जा, जा पीछे जा और पीछे जा, चल बता जल्दी बता, जो पूछा उसको जवाब दे, कोई लाके छोड़े क्या खुद बखुद आया, अच्छा लाए कहाँ से, शमशान से पकड़े, कब्रिस्तान से पकड़े, कहाँ से, बस सिर्फ इतना बोल दे, बाकी मैं तुझे आगे पूछूंगा, मौका दूंगा, हाँ चल बता कहाँ से लाए थे शमशान, कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से, शमशान से, कब्रिस्तान से, जोर से बोल, कहाँ से, शमशान से, कब्रिस्तान से, हाँ चल नाला निकटू, सीधा उठ के बैठ, अदब से सीधा उठ के बैठ, देख मौका दे रहा हूँ तुझे, सब याद कर क्या सुनाना मुझे दूसरे चक्कर तक, चलो इसको जकड़ के रखो जब तक, सारे के अंदर जितने शक्तियां कम करा के उसको जकड़ के सब याद दिला के सामने लाओ, बोल ताले कहाँ से आता हूँ, सारी दास्तान लगाऊंगा पत्थर कर दे तेरे दो टुकड़े, बोल हाँ ये कर दो इसे दो टुकड़े, देख टच कर इसको क्या होता है, टच करते तेरे को आग लगती, लगा टच कर, देखो खुदा की उधर देखे जाएंगे, बोले तो नहीं आ रहा, भाग के डरा रहा हूँ, नेक्स्ट बार में भी नया आता कि नहीं, फजर में बिठा के लाए, क्या बोला था, नहीं आता मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले कभी हाजिर हाजिर हुआ उसके आमने, कहीं भी नहीं गए, जोर से बोलो, कहीं भी नहीं गए, दुआ पानी बताएंगे कहीं गए होंगे तो कहीं हाजिर हुआ क्या, किसके सामने, दरगाह में हुए तो कहीं हाजिर हुआ क्या, नहीं छोड़ इधर तो सबको हाजिर करने नहीं आता, सबके अलग अलग दास्तान रहते, कितनी बार आए यहाँ तो 3 साल पहले आता मैं अकेला बाइक पे आया था ना, अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी जो आए तो इसको लेके कितने बार आए तुम यहाँ, फर्स्ट बार आए, ये लोग भाई है, पहली बार यहाँ लेके आए, पहली बार मुझे हाजिर होकर, हाजिर होकर वो आंग में क्या बोल रहा है वो सुनो, रिकॉर्डिंग में है कि उसकी जान लेना है उसको,
और उसको कब्रिस्तान से पकड़ के लाए, और वो जो है तो कब्रिस्तान से लाए उसको पकड़ के, बहुत सारी दास्तान है। खैर इंशाल्लाह ताला जैसा मैं अमल होता हूँ उस तरीके से अमल करो, अल्लाह तुम सब राइट होना चलूंगा। और सबसे अहम बात कि एक दूसरे पे से हरकतें मत करो मत करो मत करो, क्योंकि तुम को क्या बताना, कैसा बताना, क्या क्या दास्तान बयान करना, ये सब बातें समझो। तुम्हारी हुकूमत नहीं चलती दुनिया पे, दुनिया बेजान पे भी जानदार पे भी अल्लाह की हुकूमत है। तुम अल्लाह के मखलूक और अल्लाह के बंदों को और मखलूक में से अशरफुल मखलूकात को तुम तकलीफ देंगे, इधर से सामने इसके यहाँ वाले अशरफुल मखलूकात को तुम तकलीफ देंगे तो फिर अल्लाह तुमसे भी, फिर अल्लाह को बदला नहीं मिलता, तुम्हारे आमाल तुमसे यकीनन बदला लेंगे, आजाब में गिर देंगे, और जब तुम आजाब में गिर देंगे तो तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं होगी। इसलिए सब बातों पर अमल करो, और वही अल्लाह और बुजुर्गान ने तो कभी बुरा नहीं बोलना, बार बार ये बात याद रखो। बोला कि मैं तुम लोगों को बार बार बोलता कि खुद ब खुद तुम अगर बुरा बोलिए तो अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान कर देता। अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे वलियों को मेरे बुजुर्गान दीन को अगर तुमने बुरा बोले तो अल्लाह फरमाता कि अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह तुमसे जंग करने का खुला ऐलान करता, खुले जंग का ऐलान। अब बताओ कहाँ जाइए, कौन सा सजदा तुम्हारा कबूल होगा? इधर तुम बुरा बोल दे रहे उधर से आके सजदे कर रहे सजदे कबूल होते, इधर तुम बुरा बोल दे रहे वली अल्लाह जाके उधर से आके तुम ज़कात रोज़ा हज नमाज सब मुंह पे फेंक के मारने लगाते, सब तुम्हारे मुंह पे। तुम्हारी इबादत की, तुम्हारे नमाज की, तुम्हारे जिक्र अज़कार की अल्लाह को गरज नहीं है। 70,000 साल से, लाखों करोड़ों साल से जो फरिश्ता सजदे में है तो सजदे में, तो रुकू में तो रुकू में, तो भी अल्लाह नहीं देखता उनकी तरफ। और खुदा की कुदरत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मैं बयान क्या करूँ तुम आपको खुदा की कुदरत का। तुम इस पे से अंदाजा लगा लो कि अल्लाह के पास फरिश्ते कितने हैं। सबसे पहला रूए जमीन के ऊपर जो बारिश हुई थी, सबसे पहली बारिश, तो बताओ तुम्हारे घर के अतराफ में कितने बूंद गिरे थे, बताओ तुम्हारे मोहल्ले में कितने बूंद गिरे थे, तुम्हारे शहर में कितने ड्रॉप गिरे थे, तुम्हारे पूरे स्टेट में कितने बूंद गिरे थे, तुम्हारे देश में कितने बूंद गिरे थे, तुम्हारे पूरे वर्ल्ड में कितने बूंद गिरे, गिनती कर सकते, काउंटिंग कर सकते? इम्पॉसिबल। सबसे पहली जो बारिश हुई तो फरिश्तों ने एक एक ड्रॉप को जमीन पे लाके छोड़े, एक एक फरिश्ते ने, और बाद में वो चले गए अपना नंबर लगा कर के, दोबारा हमारा नंबर आएगा, फिर हम क्या बोलते तो दोबारा एक एक ड्रॉप को लाके जमीन पे छोड़ेंगे। फिर जो दूसरी बारिश हुई उसके फरिश्ते आए लाइन में लग गए, उसके बाद क्या है सब लाइन में लगे, तो खयामत तक वो फरिश्तों का नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि जितने बारिश होंगी उतने बारिश एक एक बूंद को एक एक ड्रॉप को फरिश्ता जमीन पे लाके छोड़ते, और वो फरिश्ते जाके लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं, हमारा नंबर कब आएगा बोले डबल से लाके छोड़ने। सबसे पहले जिन्होंने लाके छोड़े थे उनका नंबर अभी तक नहीं आया, खयामत तक नहीं आने वाला है। इतनी बड़ी खुदा की कुदरत है, इतने खुदा के पास में फरिश्ते, हर चीज अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। मत करो ऐसी हरकतें, शैतान के साथियों, शैतान के जैसा तुम मुगम में मत रहो, वो भी निकटू नालायक, वो भी ये सोचता मलून बदबख्त कि मैं आखिरी वक्त की कुछ याद है उसको चीजें पढ़ लूंगा, मैं पढ़ के मगफिरत की खुद की वो करा लूंगा। अरे बदबख्त तेरे से भुला दिए जाएंगे वो चीजें, वक्त पे तेरे दिल दिमाग से उड़ा लिए जाएंगे, बाद में फिर उसके बाद तू गर्क होगा और हलाक होगा, उस वक्त तो जान तेरे लिए स्पेशल बनाए चुका है और तेरे साथियों के लिए भी, तो तुम जाने चुवाले उसमें, तो ऐसे मत बनो उसके साथियाँ, उसके साथियाँ बनेंगे तो तुमको भुगतना भी पड़ेगा। और शैतान जिन्नात चुड़ैल भूत जादूगर का गरूर घमंड फकर तकब्बुर रहता उसका, वो उन्हें पूरी जिंदगी की मेहनत करके एक जिन्नात, पूरी जिंदगी की मेहनत करके एक शैतान, पूरी जिंदगी की मेहनत करके कोई एक चुड़ैल, तो पूरी जिंदगी की मेहनत करके तो कोई एक शैतान लेता, कौन सा भी एक किस्म का अलग अलग किस्म उसमें। और देखो वो शैतान उसकी तपस्या उसकी मेहनत का फल रहता, उन्हें उस पर तकब्बुर घमंड फखर उसका गुरूर रहता, और यहाँ आने के बाद उसका गुरूर उसका तकब्बुर उसका घमंड उसका फखर एक सेकंड में चकनाचूर कर देते, क्योंकि अल्लाह के कलाम की ताकत है। क्या हुई तेरी जिंदगी जादूगर बेवकूफ, तूने पूरी जिंदगी जादू सीखने में लगा दिया, और सीखने के बाद तूने एक बला लिया और लोगों के आंग में छोड़ा, और यहाँ वो बला को मार मार के एक सेकंड में चकनाचूर कर दिया, फिर क्या मतलब की जिंदगी वो शैतान की पटरी पे लगा के उसकी रस्सी मजबूती से थाम के, वो अगर अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामता था तो तेरी दुनिया भी बन जाती थी और तेरी आखिरत भी बन जाती थी। दुनिया से सब कुछ मरना है, कोई जीने नहीं आया, हारून को पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा खजाना दिया था अल्लाह ने, मगर हारून के जिंदा रह सका खजाने के दम पे नहीं, जमीन में गर्व वाला खजाने के साथ में, ना अल्लाह के कोई पैगंबर है जमीन पे आज तक रोए जमीन पर जिंदा, सब कुछ करके जाना है। आम आदमी को, करोड़पति को, भिखारी को, पैसे वाले को, राजा को, रानी को, पैगंबर इस्लामों को, उसके बाद बुजुर्गान दीन को, वली अल्लाहों को, कुतुबों को, अब्दालों को, सबको अलग तरफ पूछ करके जाना। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी मिन कुल्ले फानी मिन कुल्ले फानी, अल्लाह बाकी, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा, बाकी सबको फना होना है, और हश्र के मैदान में रोज़े क़यामत के दिन सबको हिसाब देना है। तुमको ये पता है क्या, जब अल्लाह सारे आलम की
फना करने का हुक्म दे देंगे, सुर फूक दे इसरा। जब सुर फूक दिया जाएगा, सांस भर के सही हूँ इशारा देखते खड़े आले मसीह। जब से उनको बना लगा सांस भर लिया ली उन्होंने फूकने के वास्ते, पहले सही हूँ देख सांस खींच के हूँ और इसके तरफ देख रहे हूँ, आवाज का इशारा आएगा कि सुर फूक देंगे, टेंशन तैयार खड़े आले। जब से लेके अंदर इशारा होते सुर फूकिए तो रूई के गालों के जैसे धूल कैसे उड़ती, धूप में उड़ के सारे पहाड़ ये सब तहस नहस हो जाएगा पूरी दुनिया। फिर उसके बाद अल्लाह हुक्म देगा कि चांद और सूरज की पूजा करते थे, इनकी बुत परस्ती होती थी और अल्लाह को नहीं मानते थे इसको बनाने वालों को। चांद और सूरज को भी गधा और बैल बना के जहन्नुम में डाल दो, उनको भी जहन्नुम में डाला देगा। फिर उसके बाद में अल्लाह बोलेगा ये सबको फना कर देगा, सबको खत्म कर देगा। लास्ट में अल्लाह बोलेगा कि सब फरिश्तों की रूह खींच लो, जो फरिश्ते उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, पूरे फरिश्ते खत्म हो जाएंगे। पूरे फरिश्ते खत्म, ये मालूम है क्या नहीं, पूरे फरिश्तों को भी खत्म कर देगा लास्ट में, जब पूरी दुनिया का सुर फूकने के बाद कुछ नहीं बचेगा। फिर उसके बाद अल्लाह हुक्म देगा कि ए इस्राफिल सारे फरिश्तों की, जिब्राइल की भी सबकी रूह खींच दे, सबकी रूह खींच दे, जिब्राइल मिकाइल इजराइल सबकी, इस्राफिल सबकी रूह। और लास्ट में जो मौत का फरिश्ता बचेगा, तो मौत के फरिश्ते तीन बड़े फरिश्तों को खींच लिए, तीन बड़े फरिश्तों में से जिब्राइल मिकाइल इजराइल इस्राफिल, जिसमें से एक है मौत का फरिश्ता। तो मौत के जिब्राइल का काम है वही ला के देना, उनका काम खत्म होगा। मिकाइल का काम बारिश और हवा मौसम का वो सब करना, उनका काम चल रहा। उसके बाद में तुम्हारे इस्राफिल अलैहिस्सलाम का काम है सुर फूकना, सुर फूकना। इस्राइल अलैहिस्सलाम का काम है कि रूह खींचना। तो जब रूह खींचने वाले फरिश्ते को हुक्म दिया जाएगा कि अब सारे फरिश्तों की रूह खींच लो, सारे फरिश्तों की रूह खींच लेगा, बाद में कौन बचेगा? अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, सिर्फ अल्लाह बचा। और अल्लाह के बाद कोई बचा तो वो फरिश्ता मौत का, अल्लाह खुद मौत के फरिश्ते की रूह खींचेगा। जब अल्लाह मौत के फरिश्ते की रूह खींचेगा तो मौत का फरिश्ता बोलेगा कि हाय हाय मेरे रब्बुल आलमीन, अगर मुझे पता होता कि रूह निकालना इतनी खतरनाक ड्यूटी रहती, इतनी तकलीफ होती रूह निकालने में, तो मैं ये ड्यूटी नहीं लेता था। रूह निकालने में इंसान की इतनी तकलीफ होती इंसान को, मुझे अगर पता चलता तो मैं रूह निकालने की ड्यूटी नहीं लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के फरिश्ते मुझे मेरी रूह कब्ज कर रहा, तो जो तकलीफ हो रही मुझे रूह मुबारक कब्ज करते वक्त, या इसी तकलीफ मेरे उम्मत को जो होने वाली है वो सारी तकलीफ मेरे ऊपर डालो, इतना सोचे तुम्हारे लिए, तुम ये हरकतें कर रहे। तो मौत के फरिश्ते ने वादा करा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ने भी फिर कह दिया उसको मोहर लगा कि हाँ बेशक के अल्लाह वही फरमान और वही हुक्म देगा कि आटे में से बाल कैसे निकालते वैसा मैं मोमिन बंदे की वो निकालूंगा। तो मोमिन बनो, काफिर बंदों के जैसे मत बनो, मुशरिक मत बनो, मुनाफिक मत बनो, किसी हरकतें करके बहुत बुरे तरीके से पीटे जाएंगे और बहुत बुरे तरीके से मार खाते रहेंगे। हमने देखे नहीं कयामत, हमने देखे नहीं खबर का आलम। अरे तुम्हारे सामने से तो गए ना सब लोग, तुम्हारे खानदान बाप दादा फलाने उनके अब्बा उनके दादा पर दादा सब तो खबरों में, सब उन्होंने भी तो एक वक्त था, उन्होंने भी ऐसा सोचेंगे कि नहीं हमारे को रिप्ताय का आजाब तय की मौत हमें सुनूंगा। जिसके भीतरी उससे पूछो खबर के अंदर क्या आलम हुआ, क्या मालूम खबर का आजाब अगर तुमको बता दिया जाता खबर के अंदर क्या होता, तुम उसके डर से मुर्दे गाड़ना छोड़ देते थे, उसके डर से तुम खाना पीना छोड़ देते थे, उसके डर से औरतों के हमल जाया गिर जाते थे, इतना खतरनाक डर है, उसके डर से तुम कमाई धमाई भी नहीं कर सकते थे, खाली सिकर करते सजदा करते बैठे रहते थे। तो बाज आ जाओ, कुछ ऐसी इबादतें करो, कुछ ऐसे अदाएं पसंद आएंगी अल्लाह को तुम्हारे, तो तुम्हारी कोई अदा पसंद आ गई कि ला या रहमुल्लाहु मन ला या रहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। तुम लोगों पर भी रहम करो, चरिंदे परिंदों पर भी रहम करो। धूप काले के दिन आ रहे तो साइड में ऐसा वो रख देते जाओ कि पानी का टोकरा रखो, कम से कम इतना रखो। उस दिन मैं ऐसा देख रहा था, मैंने टोकरा ऐसा रखने लगाया, बस दो चिड़िया जा रहे चुप चुप, उनको आवाज दिए ए इधर आओ, बोले चिड़िया पानी पियो, तो वो चिड़िया ने क्या करे दूर से पानी देखे उन्होंने वहां बैठे आ लेते, तो यकीनन वो वहां आए और आके बरोबर पानी पी के गए, दाने चर के गए। कितने दूर जाना पड़ता मेहनत करते चरने के लिए, दाने पानी के लिए, तुमने सारा वातावरण खराब कर दिया, दुनिया का सारा माहौल खराब कर दिया, झाड़ा काट के तुम जलाने को बस नहीं हो रहे, क्या क्या बनाने को बस नहीं हो रहे, बिल्डिंग घर जमीन, उसके बाद तुम अनाज की का आलम ऐसा कर दे रहे कि एक एक दाना उठा के तेरे परिंदों के चरिंदों के उनके बारे में सोचो, जो अनाज वेस्ट हो जाता है उसको फेंको मत, जाया मत करो, वो अनाज को कहीं रख दो, कोई जानवर कुत्ता बिल्ली और भी कोई जानवर चरिंदा परिंदा खेला तो तुम्हारा अज्र मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। और बोलने में तो बहुत कुछ बात आए, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल दे, अमल करने की तौफीक दे। और तुम छेड़ो वली अल्लाह और बुजुर्गान दीन को, अगर तुम बुरा बोलेंगे तुम ऐसा मजाक मजाक में बोल के निकल जाएंगे, मगर जबान में क्या आंसर हो जाता, दिमाग में क्या आंसर हो जाता, दिल के वाल खराब हो जाते, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है वो रहमो करम पे अल्लाह के,
रहमो करम के चल रही तुम्हारे पे एहसान करा उन्होंने, किसका सदका है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में अता करा सब चीजें तुम आपको, और तुम नबी का सदका खा के उनकी औलादों को तुम दुनिया में बुरा बोलेंगे, बुजुर्गान दीन को बुरा बोलेंगे, अल्लाह की जो वलिया है उनको बुरा बोलेंगे। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये भी फरमा दिया अल्लाह ने। हकदर मानो में अल्लाह की इबादत करते हो अल्लाह का वली, हकदर मानो में अल्लाह से डरता है वो अल्लाह का वली, और तुम जाके वहाँ अल्लाह के वलियों को छेड़ेंगे तो यकीनन तुम्हारी तकदीर जल के राख हो जाएगी। ऐसा आलम हो जाएगा कि कोई काम करने के जाएंगे तो बिगड़ जाएगा काम तुम्हारा, बनते काम बिगड़ जाते, आफतें घेर लेते, कर्ज में डूब जाते और परेशानियों में बीमारियों में मुबतला होकर गर्क और हलाक हो जाते। और वली अल्लाहों का कुछ नहीं बाल वाका कर सकते तुम, उनको वली अल्लाहों की तारीख से पढ़ लो बुजुर्गान दिन के, क्योंकि इतनी जहमत दिए, इतनी जहमत दिए भी तो उन्होंने दुआ दिए जहमत देने वाले, मगर अल्लाह ने बदला दिया, अल्लाह ने बोला मैं वारिस हूँ उनका। तुम क्या समझ रहे हो बेवारिस समझ के बदुआ दे रहे, बेवारिस समझ के गालियाँ दे रहे उनको, बेवारिस समझ के उनको वो कर रहे तुम, मैं वारिस हूँ बोल के अल्लाह बदले लेता बहुत खतरनाक तरीके से। खैर मैं क्या बताऊँ लोगों, मैं ये सब बातें इसलिए बताता कि तुम ये सब बातों से बाज आ जाओ, और तुम जाओ जादूगर के पास मत जाओ, वो हमें से नहीं है, तुम अल्लाह वालों के पास जाओ, बुजुर्गान दीन के पास जाओ, खुतूब अब्दाल औलिया अल्लाह ये तुमको जहाँ मिले उनके दामनों को थाम लो, तुम्हारे सारे दलील दलियाँ दूर कर देंगे अल्लाह। तुम अगर चिक्कड़ में मबूस होकर मुबतला होके आ रहे, लोट पोट होके आ रहे चिक्कड़ के अंदर नाली में से लोट के, और बारिश हो रही और बारिश गिर रही और तुम बारिश वाले के बाजू में ठहरे तो कुछ छोटे तुम्हारे ऊपर गिर के भी तुम्हारा चिक्कड़ धो जाता, इसलिए जहाँ रहमत की बारिश बरस रही वहाँ जाओ तो तुमको रहमत से फैजियाब होंगे, फैजियाब होंगे तो तुमको बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारे अल्लाह के फजल करम से इनाम मुआद भी दुनिया में मिलेगी आखिरत में भी मिलेगी। मनमानी करेंगे ना मांगे सीख तो दर दर मांगे भी, क्या नहीं आता मुझे करने, कौन सा अमल नहीं आता, सारे अमल सिखाए वाले अल्लाह ने, सारे अमल, कोई उस्ताद नहीं है मेरा, कोई उस्ताद नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं बोलते ना लोग, गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो देखो गुरु बिना ज्ञान कैसा रहता, गुरु बिना ज्ञान जब कुदरत सिखाती तो उस्तादों का उस्ताद बनाती, और इंसान सिखाता तो मुरीद बनाता, और मुरीद बना के शागिर्द बनाता हूँ अपना उस्ताद शागिर्द को, शागिर्द मुरीद स्टूडेंट बनाता, और कुदरत जिसको सिखाती तो वो रहता उस्तादों का उस्ताद, सारे उस्तादों का बाप रहता हूँ, और वैसे शैताना जिन्नाता से जेर हो जाते सामने अल्लाह के हुक्म से, शैतान और जिन्नात कोई मजाक नहीं है, शैतान जिन्नात को आम आदमी अगर अरे से पूरे बोल दिया तो बदला लेने की तैयारियां करते थे, पूरे मार के हमले कर देते खुले आम, हम बोलते हम गाली दिया कोई, तुम्हारे पास पावर थोड़ी ताकत थोड़ी अल्लाह जानते तुम्हारे, और लाखों रुपए तुम दवाखाना में भरो दूसरे तरफ भरो इलाज में भरो मगर तुम कहीं फैज नहीं मिलता, बुजुर्ग आने दिन के ही दर पे फैज मिलेगा बात ही कहीं, चलो अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सब कुछ अमल करने की पावते अपने लोग। ये पानी की बॉटल पे 7 बार आयतुल कुर्सी 7 बार चारों को पढ़ के दम करना, सुबह शाम दो तीन दम धरके करने के लिए रखना, तो करो उसमें भी मारना और उसमें बढ़ाते रहना, और ये पानी दुआ का है, बढ़ाते जाना पिलाते जाना बढ़ाते जाना पिला जाना। सो ए मस्तान ये कौन है पीछे बैठे हाले, ये कौन है इधर देख, ये कौन है जोर से बोल दोस्त, चलो खैर चलो याद आ गया, अभी कुछ बात नहीं है याद है क्या सवाल जवाब जोर से नहीं, उसको हाजिरी थी 100% में कुछ याद नहीं आता, 50% में दिमाग ओम के कंट्रोल में रहता, बुलाओं के थोड़ा समझ में आता, चलो।